हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट न्यू टॉपिक इन चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स एंड आवर न्यू टॉपिक इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वी ऑलरेडी डिस्कस इन चैप्टर नंबर 9 वेव ऑप्टिक्स लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, दिस आर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड वन इज अवर आई। अवर आईज इज ऑल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब रिजॉल्विंग पावर क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमको समझ में आया, रिजॉल्विंग पावर क्या है? तो कभी कभी दो चीज इतनी पास में होती है कि हमको वो अलग अलग नहीं देखते, वो चीज को हम अलग देखना चाहते हैं और वो चीज अगर हम अलग देख सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा है। जैसे पेड़ के पन्ने होते हैं, हम दूर से देखते हैं तो उसको हम अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, पर अगर हम पास में जाके देखेंगे तो उसको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। तो दूर से देखते हैं तो उसको अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, पर वहीं पे खड़े रह के माइक्रोस्कोप से देखते हैं या टेलीस्कोप से देखते हैं तो उनको हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं। तो जो चीज इतनी पास में है, बहुत पास में है और उनको सेपरेट करके देखना है, इट्स अ रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमारी आईज जो है वो एक लिमिट तक दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग देख सकती है, पर हमारी आई से भी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के होते हैं, बराबर है? तो वो हम अलग अलग देख सकते हैं। ओके, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब समझना, दो चीज इतनी पास में है और अगर उनको सेपरेट करके देखना चाहते हैं वो हमारा रिजॉल्विंग पावर है। ओके, तो हम उसको आज डिस्कशन करते हैं कि हमको कितनी पास में होती है वो चीज अलग देख सकते हैं, वो हमारे आंख के साथ एंगल बनाती है, उस एंगल पे वो डिपेंड करता है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें सबसे पहले देखना, यहाँ पे डायग्राम डिस्कशन करते हैं, उस डायग्राम को अच्छे से देखना। जैसे यहाँ पे ये हमारे दो ऑब्जेक्ट हमने रखे, ये दो ऑब्जेक्ट मैंने और यहाँ पे ये हमने हमारी आईस का ओपनिंग रखा, ये हमारी आईस का हमने ओपनिंग रखा, इतना ओपनिंग रखा। और यहाँ पे एक हमने स्क्रीन रखी लाइक रेटिना, उस पे उसकी इमेज बनती है। ओके, अब देखिए इसमें से एक रेज आ रही है, इसमें से देखिए ये जो रेज है ऐसे आ रही है, इसको आप स्केल से बनाना तभी स्ट्रेट आएगा। तो एक ऐसे आ रही है और इसमें से जो रेस है वो ऐसे। ओके, ये हमने दोनों के बीच में एक सेपरेशन रखा है, वैसे तो वो यहां से क्रॉस होनी चाहिए, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, ये हमारी आईस का ओपनिंग है, स्क्रीन है और ये दो ऑब्जेक्ट है जिसमें से ये रे निकल के यहाँ पे इंटरसेक्ट होती है। ओके, सर इंटरसेक्ट है यहाँ पे, उसको स्ट्राइक करती है। अब रिजॉल्विंग पावर किस पे डिपेंड करता है या किसी फिनोमिना है? तो रिजॉल्विंग पावर इज अ फिनोमिना रिलेटेड विथ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन We will discuss in our last video lecture what is diffraction, उसमें fringes मिलती है और उसमें central maxima, central coverage होती है, उसकी brightness सबसे ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम जाते हैं ऊपर नीचे distance पे तो वैसे वैसे उसकी brightness कम होती है, उसकी intensity opposite distance का हमने graph भी draw किया था।
अब इसमें देखिएगा एक पॉइंट, जब यहां पे इसको स्ट्राइक करता है तो यहां पे देखिए ए इसकी मैक्सिमम ए ब्राइट पॉइंट बनाता है और ए ब्राइट पॉइंट बनाता है वहां पे ए, हमने देखा कि ऐसे यहां पे ए इसका ब्राइट पॉइंट बनाता है और ए हमने देखा ऐसे, इसमें इसका ब्राइट पॉइंट यहां पे बनाया, ए डार्क पॉइंट ए ब्राइट पॉइंट, तो ए क्या होगा सेंट्रल ब्राइट, ये सबसे मैक्सिमम मतलब सेंटर पर ब्राइट हुई, फिर से ए सेंट्रल ब्राइट, ए इसका डार्क और इसका डार्क, आप देख सकते हो इसको मैंने कैसे सेपरेट किया, ए डार्क है ए भी डार्क है, ए इसका सेंट्रल ब्राइट है, इसका इस ऑब्जेक्ट का सेंट्रल ब्राइट यहां पे ए डार्क और इसका ए डार्क। हमने देखा कि हमको ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखते हैं, कैसे तो ये यहां पे है और ये दोनों स्पॉट ऐसे धब्बे दिखते हैं, मतलब ऐसे दिखते हैं, ओके ऐसे अलग अलग के ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो ये हमने एक यहां पे डायग्राम ड्रॉ किया, अब हमने क्या किया इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास में ले लिया, कितना पास में लिया, तो यहां से इस ऑब्जेक्ट को हमने इतना पास में ले लिया ए, देखिए इससे ए डिस्टेंस कम है और यहां से ऐसे वन इसको थोड़ा इससे डाल देता है यहां से और ये देखिए ऐसे ओके, यहां पर हमने ए ओपनिंग रखा है आइस का, इसमें से रे आती है और इससे देखिए ए डिस्टेंस कम है और ए एक स्क्रीन पे लिया। अब हमने देखा यहां पे ए पॉइंट कैसे एक दूसरे पे ऑलर या आपको स्ट्राइक करते हुए मिलते हैं, तो हमने देखा कि ए इसका ब्राइट है ए भी इसका ब्राइट है, तो ए जो है ए ऐसे आके यहां पे और इसका जो डार्क है ऐसे, क्या दिखता है आपको अलग क्या दिखता है, तो अलग में ए इसकी सेंट्रल ब्राइट है ए इसकी सेंट्रल ब्राइट है, यहां पर ए इसका डार्क है इसका डार्क और इसका डार्क, आप देखिए इसका जो डार्क है वो इसके अंदर आ गया और इसका जो डार्क है वो इसके अंदर चला गया, ए हमको ऐसे मिला। अब हम जब देखते हैं तो ए ऑब्जेक्ट हमको कितने अलग दिखते हैं, कितने तो ए देखिए इसको हमने देखा तो ये हमको ऐसे दिखते हैं ओके ऐसे। अब हमने एक लास्ट केस लिया जिसमें हम देखते हैं कि ए हमने लिया और इसको इतना पास कर दिया, इससे भी पास में ले लिया और यहां से देखिए ए और यहां से इससे भी ए पास में हो गया। अब यहां पे ए हमने लिया ओपनिंग स्क्रीन ली हमने और हमने देखा कि इसका ए जो है यहां पे बनता है और यहां से देखिए ये जो है इतना पास में ओके ऐसे, इसका हमने दो स्पॉट यहां पे देखे तो हमको ए स्पॉट ऐसे मिलते हैं ऐसे ओके। अब यहां पे ए जो हमको तीन डायग्राम यहां पे दिखते हैं उस डायग्राम में पहले हमने ए डिस्टेंस इतना रखा था, फिर ए डिस्टेंस इतना किया, फिर ए डिस्टेंस इससे कम किया, जब डिस्टेंस कम करते जाते हैं तो ए दोनों ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो इमेज एक दूसरे पे ओवरलैप होती है, ओवरलैप होती है एंड आवर आईज इज अनेबल टू सी सेपरेट टू दिस सेम ऑब्जेक्ट, हमारी आंख इन दोनों ऑब्जेक्ट को अलग नहीं देख सकती ओके। अब यहां पे अब जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमारी आईज इसको कंप्लीटली अलग देख सकते हैं, एबल टू सेपरेट, तो ए हम देख सकते हैं कि ये वन और टू दोनों ऑब्जेक्ट है, जब ऐसा होगा तो भी हम देख सकेंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट है, पर जब ऐसा हो जाएगा तो हमारी आंख इसके लिए अलग देखने को एबल नहीं, वो हम इस दो ऑब्जेक्ट को सेपरेट नहीं देख सकते, तो एंगल कितना हो
हम इसको देखते हैं, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे d, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो भी d, ये जो डिस्टेंस है वो भी d, और ये जो एंगल बनता है डेल्टा थीटा, तो ए एंगल भी कितना होगा डेल्टा थीटा, ए एंगल भी कितना होगा डेल्टा थीटा, तो ए एंगल भी कितना होगा डेल्टा थीटा। सेम यहाँ पे दिस एंगल एंड दिस एंगल आर आल्सो इक्वल डेल्टा थीटा, मैथमेटिक्स से आप जानते हो। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कंप्लीटली सेपरेट देख सकते हैं, इसको भी हम सेपरेट देखना स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से समझना, थोड़े बहुत वर्डिंग को अच्छे से सुनना, जब ऐसा होता है तो हमारी आंख इनको सेपरेट नहीं देख सकती, पर जब ऐसा होगा तो हमारी आंख को ए दो ऑब्जेक्ट सेपरेट देखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और ऐसा होगा हम एग्जैक्टली इसको सेपरेट देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, इस एंगल से ए एंगल छोटा है, इस एंगल से ए एंगल छोटा है, तो कब हम दो ऑब्जेक्ट को अलग देख सकते हैं? When this angle is large, then we separately see this object. जब एंगल लार्ज होगा तब हम इसको अलग ही सेपरेटली अलग देख सकते हैं। तो इसमें इस पॉइंट को हम बोलेंगे लिमिटिंग केस। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग केस, क्योंकि जब एक कंडीशन आएगी तब हमको अलग देखना स्टार्ट हो जाएगा। इससे ज्यादा होगा तो देखेगा ही, पर थोड़ा इससे कम हो जाएगा एंगल तो हमको अलग नहीं देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे लिमिटिंग केस ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन, और इसको हम बोलेंगे रेलेस लिमिटिंग केस ऑफ रिजोल्यूशन। इस सबसे पहले रेलेस बताया था, इसमें जो एंगल डी है इसको हम यहां पे नोट करते हैं, D is equal to minimum distance for resolution, resolution, and delta theta is angle of resolution. एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन इसको हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, एंड डी इज अ डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन। ए जो डिस्टेंस है इससे कम हो जाएगा देन वी कांट एबल टू सी सेपरेट टू दिस ऑब्जेक्ट। ओके, इससे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम इसको देख सकते हैं। तो ए हमारा एक पॉइंट होगा, समझ में आएगा, इससे ज्यादा होगा और इससे कम होगा तो हम इसको अलग देख सकेंगे और अलग नहीं देख सकेंगे। अब इसके लिए एक पॉइंट अच्छे से समझना कि ह्यूमन आईज के लिए ए एंगल कितना होता है। तो ह्यूमन आईज के लिए देखिए, फॉर ह्यूमन आईज डेल्टा थीटा इज 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री मीन्स 1 मिनट। तो इससे अगर कम एंगल होता है तो हमारी आईज उन दोनों को सेपरेटली नहीं देख सकते, और इससे ज्यादा होगा तो हम देख सकते हैं। अब हमने क्या किया कि हमारी आईज जैसे यहां पे तीन ऑब्जेक्ट रखे या दो ऑब्जेक्ट रखे, उसको 1 डिग्री तक, 1 डिग्री मतलब 1/60 डिग्री तक हमारी आईज अलग अलग देख सकती है। पर हमने देखा कि ऐसे कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, तो टेलीस्कोप से हम इसको और कम डिग्री होता है 0.5, तब भी हम इसको अलग देख सकते हैं, और पास में कर दिया और माइक्रोस्कोप से हम 0.1 डिग्री तक उसको अलग देख सकते हैं। तो किसका रिजोल्विंग पावर ज्यादा है, किसका रिजोल्विंग पावर ज्यादा है, ह्यूमन आइज
1 डिग्री तक अलग देख सकती है, टेलीस्कोप 0.5 डिग्री तक और माइक्रोस्कोप 0.1 डिग्री तक। तो किसका रिजोल्यूशन पावर ज्यादा है? माइक्रोस्कोप का। रिजोल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज मोर देन अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप एंड अवर आईज। ओके, तो रिजोल्विंग पावर किसका ज्यादा होता है? जिसका डेल्टा थीटा कम होगा उसका रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगा। फिर से, रिजोल्विंग पावर किसका ज्यादा होगा? डेल्टा थीटा कम होगा उसका रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगा। हमको कब ऑब्जेक्ट देखने स्टार्ट हो जाएंगे? तो ऑब्जेक्ट हमको तब देखना स्टार्ट होगा जब इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है और इसका जो ए पॉइंट है, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा और इसका जो डार्क पॉइंट है, वो दोनों इंटरसेक्ट होंगे, तब हमको ये दोनों अलग से देखने स्टार्ट हो जाएंगे। बराबर है, ये याद रखना। तो यहाँ पे आपको समझना है, फिर से ये आपको याद रखना है, सेंट्रल मैक्सिमा और इसका डार्क पॉइंट जब एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे तब आपको इस ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो ये जो है उसको बोलेंगे रिजोल्विंग पावर, मिनिमम डिस्टेंस फॉर रिजोल्यूशन, एंगल ऑफ रिजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आइज, डेल्टा थीटा इज एंड रिलीज लिमिट इन केस ऑफ रिजोल्यूशन। इससे ज्यादा होगा तो दिखेगा, इससे कम होगा तो नहीं दिखेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ए रिजोल्विंग पावर कितना होता है। तो पहले टेलीस्कोप के लिए डिस्कशन करते हैं। फॉर टेलीस्कोप, फॉर टेलीस्कोप, टेलीस्कोप में हमको कैसे दिखता है, टेलीस्कोप में हमको कैसे दिखता है? तो टेलीस्कोप से देखने के लिए हम जब इसको यहाँ पे नोट करते हैं तो उससे पहले इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने एक स्क्रीन की, यहाँ पे स्क्रीन है, यहाँ से ए डिस्टेंस और ए डिस्टेंस इक्वल होते हैं, यहाँ पे हमने एक मतलब कैंडल रखी है या कोई भी लाइट सोर्स है जिसमें से वेव्स यहाँ पे आते हैं। अब ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होते हैं, यहां से ए जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का और यहां से ए जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इसको हम क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट डार्क पॉइंट मिला था, ये क्या था? फर्स्ट डार्क पॉइंट। ए भी क्या था? फर्स्ट डार्क पॉइंट इन डिफ्रेक्शन। और यहां से लेके यहां तक ये क्या था? सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल फ्रिंज, सेंट्रल राइट फ्रिंज थी, सेंट्रल राइट फ्रिंज। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये जो एंगल बनता है उसको हमने नाम दिया डेल्टा थीटा। क्या नाम दिया? डेल्टा थीटा, सेम एज हियर डेल्टा थीटा। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हमने बोला एपर्चर। ये क्या है? एपर्चर। ये एपर्चर है, कितना डिस्टेंस? ओके, ये एपर्चर। और यहां पे जो था उसको हम क्या बोलते थे? हाइट। क्या बोलते थे? हाइट। एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल कितने हाइट में हमको कौन से पॉइंट मिलते हैं। और इससे हमने निकाला था कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए। व्हाट इज लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। एंड व्हाट इज ए? एपर्चर ऑफ द दिस टू स्लिट, ओपनिंग के एपर्चर। ओके, अब हमने टेलीस्कोप के लिए डिस्कशन किया, तो यही हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। इसको समझना, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूं, ए ऑब्जेक्ट यहां पे, ए ऑब्जेक्ट यहां पे, इससे एक रेस ऐसे जाती है और इससे एक रेस ऐसे जाती है और दोनों यहां पे मिलते हैं। तो ए जो है वो सेंट्रल पॉइंट है, ए भी सेंट्रल पॉइंट है। ये हमने देखा ए इसका सेंट्रल आया और यहां से हमने देखा कि यहां से ए इसका सेंट्रल। ओके, समझ गया। एसी सेंट्रल राइट है और इसको एसी सेंट्रल राइट है, एक्जेक्टली सेंटर में नहीं होता है, तो इसको ट्राई करते हैं कि वो सेंटर में आए ऐसे। बराबर, अब देखिएगा ये एंगल जो बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? डेल्टा थीटा। इतना जो डिस्टेंस है वो कितना होता है? आर जितना। यहां से ए भी कितना होता है? आर। और यहां से ए भी कितना होता है? आर। मतलब हमने एक छोटा सा डिस्टेंस लिया आर या एपर्चर ए जितना ले सकते हैं। ओके,
ए ओपनिंग है, ए क्या है ओपनिंग। अब टेलीस्कोप में क्या होता है कि टेलीस्कोप में हम देखते हैं तो पहला लेंस कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा लेंस होता है। तो हमने इसको यहां पे रख दिया, ये हमने एक लेंस रख दिया यहां पे, ओके ये लेंस रख दिया, और ए लेंस क्या है ओपनिंग है, एपर्चर, ओके। तो यही होता है टेलीस्कोप, यहां से दो ऑब्जेक्ट आते हैं टेलीस्कोप में और हम यहां से देखते हैं तो हम उसको अलग अलग देख सकते हैं, ओके। तो जब हम इसको अलग अलग देखते हैं तो टेलीस्कोप के लिए ये जो डेल्टा थीटा होता है वो हमको मिलेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, यहां पे देखिए डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ये हमको एक फॉर्मूला मिलता है किसके लिए, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ये हमको किसके लिए मिला, तो टेलीस्कोप की क्या मिली रिजॉल्विंग पावर, ये हमको एंगल ऑफ रिजॉल्वेशन मिला, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, ओके। इसका प्रूफ यहां पे नहीं देते और इसका बुक में एनसीईआरटी की बुक भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन ए, एग्जैक्ट एंगल क्या है लैम्डा अपॉन ए फॉर ऐसे स्लिट के, ऐसे स्ट्रेट स्लिट के, ये हमको किसके लिए मिलता है सर्कुलर के, जैसे यहां से हमने देखा कि लाइट आ रही है और यहां पे हमको ए मिलता है पहला सेंटर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, तो इसके लिए हम सर्कुलर के लिए देखते हैं तो हमको ए फॉर्मूला मिलता है, और टेलीस्कोप में हम जो लेंस लेते हैं ऐसा लेते हैं, इसलिए ये हमको फॉर्मूला मिला 1.2 लैम्डा अपॉन 22 लैम्डा अपॉन ए। पर रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, अब इसमें रिजॉल्विंग पावर कब होगा, हमने डिस्कशन किया कि एंगल जितना छोटा होता है उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, तो इसमें एंगल छोटा कब कर सकते हैं, एपर्चर को बड़ा कर, जितना एपर्चर बड़ा होगा उतना रिजॉल्विंग का जो एंगल है वो बड़ा होगा, और ये छोटा होगा और ये छोटा होगा उतना रिजोल्यूशन पावर ज्यादा, ओके। तो यहां पे नोट करते हैं, स्मॉलर रिजोल्यूशन एंगल एंड हायर रिजॉल्विंग पावर, स्मॉलर रिजोल्यूशन एंगल एंड हायर रिजॉल्विंग पावर, ए जितना छोटा होगा उतना रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा और ए जितना बड़ा होगा इतना ही छोटा होगा। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/(δθ) इसके इनवर्स हो गया, ए छोटा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, तो टेलीस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर कितना होगा, रिजॉल्विंग पावर फॉर टेलीस्कोप, यहां पे नोट करते हैं इसको अल्टरनेट कर देंगे, तो रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू ए अपॉन 1.22 अपॉन लैम्डा, ये किसके लिए है टेलीस्कोप, ओके। तो समझ में आया होगा आपको व्हाट इज रिजॉल्विंग पावर एंड व्हाट इज रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मींस दो पास में हुए ऑब्जेक्ट को अलग दिखना, जैसे आप कभी भी देखते हो कि हम देर रात के अंधेरे में कहीं पे खड़े होते हैं, सामने से कोई व्हीकल आता है तो हमको एक ही स्पॉट दिखता है, उसकी हेडलाइट का एक ही स्पॉट दिखता है, हम सोचते हैं कि कोई मोटरसाइकिल आ रही है, कोई बाइक आ रहा है, वो पास में आता जाता है, पास में आता जाता है, फिर हमको वो अलग अलग दो दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब गुजरता है तो हमें पता चलता है कि तो कार है, ऐसा आपने बहुत बार देखा है। तो वो क्या होता है, एक मिनिमम डिस्टेंस से वो हमारे पास में आता है, फिर हमको वो अलग देखना स्टार्ट हो जाता है, तो ए रिजॉल्विंग पावर है, इससे कम तो नहीं दिखेगा, इससे ज्यादा तो दिखेगा, अलग है एंगल इतना बड़ा है तो वो दिखने ही वाला है, ओके। तो टेलीस्कोप में ये हुआ, एंगल जितना बड़ा होगा उतना तो दिखेगा, पर कम एंगल में अगर हम अलग देखना चाहते हैं इट्स रिजॉल्विंग पावर, तो ये टेलीस्कोप के लिए हुआ रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप a upon 1.22 lambda, okay, lambda upon a from
जैसे स्ट्रेट स्लिप के लिए और 1.22 लैम्डा को लेके सर्कुलर शेप के लिए है कि प्रूफ किया वो फार्मूला है मैंने भी आई एक्सेप्ट दिस कैटेगरी ओके तो दिस ऑल अबाउट रेसोनिंग पावर एंड रेसोनिंग पावर फॉर टेंसर.